हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आदिल सिद्दीकी आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर, जिसका नाम है प्राइस एक्शन ट्रेडर्स। तो गाइस, जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ऑलरेडी बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। एंड जिन लोगों ने इधर कॉल पोजिशन को होल्ड करा होगा, उन लोगों के तो आज वारे नहीं आ रही हो गए होंगे, एंड उन लोगों को मज़ा भी आ गई होगी आज मार्केट में। तो गाइस, सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं अराउंड 642666 समझ लीजिए, और जो गैप अप हुआ है 42788, फिर उसके बाद जो इसने मूव दिया है, बहुत अच्छा मूव दिया है। अराउंड इसने मूव दिया है आज लगभग लगभग 600 पॉइंट्स से अराउंड का इसने मूव दिया है, 6 to 700 पॉइंट्स का। तो गाइस, सबसे पहले तो हम बताएंगे ये मूव जो हुआ है, एक्चुअली ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम का ये कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है, फिर उसके बाद इधर मूव दिया है। एंड देख सकते हैं आप लोग, अभी ये जो ट्रेड कर रही है पर्टिकुलरली एक रेंज के अंदर ही ट्रेड किया है आज पूरे दिन इसके अंदर। अगर रेंज की बात करें तो वो हम लोग दिखा सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो रेंज है, अगर हम लोग डाउन साइड की बात करें, 43200 की एक रेंज है, इसके नीचे नहीं आई है एक भी कैंडल स्टिक हम लोगों की। एंड अप साइड की बात करें तो 43417 एक बार टच करी है, लेकिन फिर ये डाउन आ गई, तो आप लोग देख सकते हैं। एंड अप साइड भी जो इसने रेंज बनाई है 43366 सॉरी। एंड अब कल क्या हो सकता है उसके लिए सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करते हैं वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर, के वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर बैंक निफ्टी एक्चुअली क्या काम कर रहा है। तो गाइस, जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, अब ये बैंक निफ्टी का प्रॉपर चार्ट ओपन है वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर। तो गाइस, बहुत बार मैं कहता हूँ आप लोगों से कि कोई भी चीज़ हो, आप उसको ऐसे ही मत करिए। अगर मूव दे रही है तो मूव क्यों दे रही है, और मूव नहीं दे रही है तो क्यों नहीं दे रही है। गाइस, तो दोनों चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो वन डे के टाइम फ्रेम में देखेंगे, अगर हम लोग अपनी ट्रेंड लाइन भी बना के चलेंगे तो ये हम लोग की एक प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन हो गई, और अभी तक वन डे के टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करी। और दूसरी चीज़ ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ डब्लू बना रहा है, ये डब्लू को क्रॉस करके इधर हुआ, एंड ये एक्चुअली फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रही है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फ्लैग हो गया, इसका फ्लैग हो गया, इसके अंदर टच करा, एंड फिर उसके बाद इसके अंदर थोड़ा काम करा इसने, इसी जोन के अंदर थोड़ा रहा, थोड़ा इसने सस्टेन करा, फिर इसका ब्रेकआउट के बाद आप लोग देख सकते हैं। एंड हम लोग इस कैंडल की बात करते हैं जो फ्राइडे वाले सेशन में बेयरिश कैंडल हुई थी। तो गाइस, ये इसलिए हुई थी क्योंकि HDFC बैंक की वजह से, सिर्फ और सिर्फ HDFC बैंक की वजह से, क्योंकि HDFC बैंक का MSCI का कुछ मर्जर हो रहा था और वो न्यूज़ थी, लेकिन अब धीरे धीरे HDFC बैंक में भी रिकवरी हो रही है। एंड आप लोग देख सकते हैं 43284 अराउंड आज का मार्केट बंद हुआ है। अब हम लोग डेली एनालिसिस की बात कर लेते हैं गाइस। सॉरी, डेली से पहले एक और चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर। तो ये चीज़ तो हम लोगों ने देख ली, अब वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अगर ये लेवल इसने क्रॉस कर दिया 43716, तो फिर हम लोगों को गाइस जो न्यू हाई मिलेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 43716, फिर हम लोगों को न्यू जो टारगेट मिलेगा 44144 अराउंड का, 44144 का टारगेट मिलेगा। आप लोग नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं गाइस। एंड अगर ये किसी भी कारण थोड़ी सी डाउन हो गई, या फिर मार्केट जिस साइड भी खुले, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ
फाइव नहीं, अब हम लोग आएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। तो कल क्या होने वाला है, एक्चुअली क्या मूव देने वाला है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर भी देख सकते हैं। जो भी इसने रेंज बनाई है 4-3-3-1-2 या 3-2-2 से लेके नीचे 4-3-2-0-0 के नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दी है इसने अभी तक गाइस। तो गाइस वो सबसे अच्छी बात है, आज की मार्केट जो है काफ़ी समझ लीजिए स्ट्रांग रही, और थोड़ा सा ये कहा रेंज में रही और रेंज का ब्रेकआउट भी नहीं मिला आज एक्चुअली, जो सच बात है। लेकिन कल मार्केट के अंदर क्या हो सकता है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुई एक्चुअली, आज मैं बहुत टाइम के बाद बना रहा हूँ इस वीडियो, तो उसकी वजह से मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूँ कौन सा टूल किस साइड है। वैसे कोई नहीं, धीरे धीरे वो भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी मेरी। तो देख सकते हैं पूरा रेंज के अंदर आज मार्केट था, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं एंड उसके अंदर ही देख रहे हैं मार्केट है अराउंड यहाँ खुली, यहाँ से ऊपर भागना शुरू करी एंड यहाँ एक रेसिस्टेंस लिया। लेकिन जो सपोर्ट है 4-3-2-0-0 पे एक बहुत अच्छा इसने सपोर्ट लिया। अगर ये इसी रेंज के अंदर फ्लैट ओपन हुई, थोड़ा आधा घंटा टाइम बिताया तो और ब्रेक करा, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा मूव आएगा। फर्स्ट मूव हम लोगों का आएगा 4-3। अगर इसने ये लेवल को ब्रेक करा, जो लेवल है सॉरी ये लेवल 4-3-3-6 को ब्रेक करा, तो उसके बाद जो हम लोग का सेकंड टारगेट रहेगा 4-3-4-4 का, फिर उसके बाद थर्ड टारगेट रहेगा 4-3-5 का। एंड अगर इसने 5-5 भी ब्रेक कर दिया गाइस, तो फिर हम लोगों का एक ये टारगेट रहेगा 4-3-7-0। और अगर ये ब्रेक करी तो फिर डायरेक्ट फिर हम लोगों का ये टारगेट आएगा, फिर न्यू हाई बना सकता है। और जिस तरीके से बना रहा है उसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं गाइस। एक तो ये चीज़ है, दूसरी चीज़ ये, अगर ये डायरेक्टली गैप अप हो गया है इधर ओपन और थोड़ा सस्टेन कर रहा है, या फिर यहाँ का रीटेस्ट कर रहा है तो थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ये रेसिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर जाने के इसमें बहुत अच्छे चांसेस दिख रहे हैं। और अब हम लोग इसको वीकली चार्ट पे भी देख लेते हैं कि वीकली चार्ट के ऊपर ये एक्चुअली मना क्या रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम सारी ड्राइंग्स डिलीट कर देंगे गाइस। एंड वीकली चार्ट पे अगर आप लोग देख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा एक स्ट्रक्चर बना रहा है वीकली, क्या मैं तो कहूँगा ये डेली चार्ट पे भी एक स्ट्रक्चर बना रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या स्ट्रक्चर बना रहा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप लोगों ने एनालिसिस करा है अपने आप ही तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करा है तो इधर देख लीजिए, बहुत अच्छा एक इसने पैटर्न बनाया है। ये रहा, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं किस पैटर्न की बात कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बता दिया जाए आप सभी लोगों को, ये जो बना रहा है एक्चुअली कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। और आप सभी लोगों को पता होगा कप एंड हैंडल पैटर्न के बाद क्या होता है, अगर इसने इस रेंज को ब्रेक करा फिर न्यू हाई एंड न्यूअर हाई दिख सकता है। तो आई होप गाइस आप सभी लोगों को मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा, एंड मिलता है एक और नई वीडियो के साथ। एंड मे बी मैं ट्राई करूँगा कि कल मैं मार्केट में लाइव भी आऊँ, एंड इसी तरह अगर सीखना है तो फिर गाइस आप लोग चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट गाइस।